सो हेलो ट्वेल्थीज, आज बोर्ड एग्जाम था आपका केमिस्ट्री का, तो हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं पंचकुला रीजन सेट थर्ड के। सेट वन के मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। आज अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेट थ्री के एमसीक्यूज। आप अपना मैच कर सकते हैं कितने एमसीक्यूज आपके करेक्ट हैं। सो फर्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज, करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ रहा है तो रिडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो सबसे ज्यादा आपका MnO4- का स्टेबल होता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट आपका है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, आंसर इज बी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप देख सकते हो यहाँ लिंकेज भी नहीं है, कोऑर्डिनेशन एनाइशन कोई भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका थर्ड एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड स्टेट इज एसोसिएटेड विद लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आपको पता होगा लो स्पिन कौन बनाते हैं आपके, जब पेयरिंग होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है और इनर ऑर्बिटल ऑक्टेडल आपका बनता है, तो आंसर रहेगा D2SP3, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल यानी C3H7CN, ठीक है, ब्यूटेन नाइट्राइल की बात कर रहा है, C3H7CN ये आपको बनाना है, तो किससे बना सकते हो आप, ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। अगर आप ले लो C3H7Cl यानी प्रोपाइल क्लोराइड और इसकी रिएक्शन करा दो आप KCN से तो आपका बिल्कुल यही बनेगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, तो डी इज द करेक्ट आंसर, NO2 ग्रुप लग रहा है यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ है आपका क्लीवेज विद HI में, तो ये जाएगा आपका SN2 से और करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका बी, बैकसाइड अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवेंथ, ए कंपाउंड एक्स विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C3H8O, एक ओ है तो ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, ईथर भी हो सकता है अल्कोहल भी, तो आपको एक दे रखा है 2 डिग्री अल्कोहल, एक दे रखा है 1 डिग्री अल्कोहल और एक दे रखा है ईथर, ये आपका ऑक्सीडाइज होके बना रहा है कंपाउंड वाई जिसमें आपके दो ओ है, तो दो ओ के लिए पॉसिबिलिटी है एसिड, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो एसिड या एल्डिहाइड देते हैं ऑक्सीडेशन से, जबकि 2 डिग्री देते हैं कीटोन, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका एट है ऑन मिक्सिंग 10 ml ऑफ एसीटोन विद 50 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, मैंने आपको एक शॉर्ट बना के डाली थी अपने चैनल पे नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन को याद करने की, तो आपको याद होगा उस ट्रिक से कि ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है और नेगेटिव डेविएशन का मतलब डेल्टा वी इज नेगेटिव, कम हो जाएगा वॉल्यूम, तो 10 + 50 यानी 60 से कम, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यूनिट ऑफ सेल कॉन्स्टेंट, सेल कॉन्स्टेंट होता है L/A, एल की यूनिट सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट है आपका लॉग आर वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है और स्लोप दिया है नेगेटिव, यानी ये है फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, A0/2K होता है, और 12th रिपीटेड है आपका, फर्स्ट सेट में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सेम क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आते हैं एसर्शन रीजंस पे, 13th एनिलीन इज अ वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइन, बिल्कुल सही बात है, एनिलीन में आपका जो NH2 है उसके ऊपर लोन पेयर तो होते हैं लेकिन इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की वजह से ये वीकर बेस हो जाता है, तो रीजन भी बिल्कुल सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, बिल्कुल सही बात है, और विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल है इसलिए यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, स्टोर नहीं हो पाता बॉडी में, तो सेम बिल्कुल सही है इसका असर्शन भी और रीजन भी, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्व रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है, और रीजन दिया है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स मेनली प्रोड्यूस सेकेंडरी अमीन, ये गलत है भाई, ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी करता है, तो असर्शन आपका ट्रू है, रीजन फॉल्स, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये आपका फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, रीजन दिया है फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो असर्शन इज करेक्ट अगेन, देन सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कितने एमसीक्यूज आपके करेक्ट हुए हैं गाइस।